एबीपीएस न्यूज। जिला बरेली का चुनुआ गांव आज भी उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचने का इंतजार कर रहा है जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई हैं, जिनमें मुख्य योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की है। इस गांव में अभी तक शौचालय नहीं पहुंच पाए हैं, 180 शौचालय की यहां आवश्यकता है। साथ साथ प्रधानमंत्री आवास की अगर हम बात करें तो 15 प्रधानमंत्री आवास भी इस गाँव के उन लोगों को चाहिए जिनके सर पर अभी पक्की छत नहीं आ पाई है। ये गांव मांग कर रहा है कि सरकार की योजनाएं इन तक भी पहुंचें ताकि इनके गांव के लोगों का भी भला हो सके। बताते चलें कि इस गांव की आबादी 2000 है और यहां 950 के लगभग वोटर हैं। साथ साथ शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यहां प्राइमरी पाठशाला में 90 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। हैंडपंप की अगर बात की जाए तो 12 हैंडपंप इस गाँव में लगे हुए हैं, जिनमें से 4 हैंडपंप अभी रिबोर होने हैं और कम से कम 4 ही हैंडपंप नए लगवाए जाने की यहां जरूरत है। बिजली की बात की जाए तो यहाँ बिजली के 32 खम्भे हैं, लेकिन अभी और खम्भों की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं वो गांव की विद्युत आपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, तो यहाँ पर एक 63 KV के ट्रांसफार्मर की भी मांग है। ग्राम प्रधान द्वारा 3 खड़ंजे, 1 CC टाइल्स रोड, प्राइमरी में मॉडल शौचालय, 33 स्ट्रीट लाइट है और 2 नालों का निर्माण कराया गया है। तो वहीं सरकार से मांग है कि पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, शमशान घाट का निर्माण, 500 मीटर का CC रास्ता, 300 मीटर खड़ंजे, 15 आवास और 180 शौचालय यहां पर होने चाहिए। ग्राम निधि में पैसा आने के बाद ये कार्य किए जा सकते हैं। ग्राम प्रधान चुमुआ से हूँ, मेरा नाम संसवीर सिंह है और मेरे गांव में जो है मतलब शौचालयों के अभाव से बहुत गंदगी है और कुछ काम हो चुका, कुछ काम मतलब बहुत काम बाकी है और हर जगह जो है मतलब गलियों में जो है कीच है और उसके लिए जो है पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा। मतलब गांव में जो है शौचालय बनने को है, बाहर सभी गांव के लोग जो है लैट्रिन करने के लिए बैठते हैं, चारों तरफ पानी बरसात के दिनों में भरा रहता है। तो यहाँ पे लगभग 200 शौचालय अगर गांव में बनवाए जाएँ तो तभी ये मतलब ये स्वच्छ भारत मिशन जो है जब ही सही सुचारू रूप से चल पाएगा। और एक अगर लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है शौचालय का तो प्रधानों की कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाभार्थी जो है उस पैसे को निकाल कर अपने घरेलू खर्च में ले लेते हैं और बाद में प्रधान जिम्मेदार होते हैं। तो या तो प्रधान के खाते में पैसा जाए और नहीं तो मतलब यह है कि प्रधानों की जिम्मेदारी से जो है मतलब जिम्मेदार प्रधान नहीं बनेगा। अगर प्रधान जिम्मेदार बनेगा तो प्रधान स्वयं जो है अपने खाते से पैसा निकाल कर उतना पैसा देगा जितना जो है काम करा दिया या काम होगा, ज़्यादा पैसा प्रधान देगा नहीं। अगर लाभार्थी अपने खाते से पैसा निकाल कर और उसको घरेलू खर्च में मतलब लगा रहा है और प्रधान उसके घर पर चक्कर लगा रहा तो वो तो ये कहेगा भाई ये प्रधान तो रिश्वत हमसे मांग रहा, तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। बस मैं यही बात कहना चाह रहा। और हमारे गांव में जो है पंचायत घर की ज़मीन है, उस पर कोई पंचायत घर निर्माण नहीं हुआ और हमारे जो शमशान भूमि है उसमें 4 दीवारी नहीं है, तो उसके लिए न कोई नेता सुनने के लिए तैयार है, न कोई शासन, न प्रशासन। तो हमारे यहाँ पे मतलब ट्रांसफार्म है, मतलब छोटे छोटे 3 ट्रांसफार्म हैं और इसके लिए बड़े ट्रांसफार्म होने चाहिए और कम से कम 6 पोल लगने चाहिए। जगह जगह जो है बत्ती जा रही, जगह जगह नहीं जा रही। कुछ घर ऐसे हैं जिनमें बत्ती आज तक पहुंची नहीं लाइट, क्योंकि न तो वहाँ पे पोल है ना कोई तारों की व्यवस्था है। मैं नीरज सिंह, ग्राम चुनुआ से, ग्राम पंचायत चुनुआ। हमारे गांव में शौचालय न होने की वजह से सड़क अथवा मतलब खरंजों पर या और कच्ची सड़कों पर अत्यधिक गंदगी रहती है और विकास कार्य प्रधान जी ठीक ठाक तरह से करा रहे हैं और पैसा सिर्फ पैसे की मतलब थोड़ा वो है, पैसा हमारे गांव के लिए, ग्राम पंचायत के लिए पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अधूरे विकास कार्य लटके हुए हैं।
हम ये चाहते हैं कि सरकार या फिर जो भी संबंधित अधिकारी हैं इस बात को अपने संज्ञान में लेकर हमारी ग्राम पंचायत की तरफ ध्यान दें और हमारे जो श्मशान भूमि हैं यहाँ पे भी चार दीवारी का काम रुका हुआ है जो भी है, और इसमें इतना सब कुछ ये सब देख के हमारी ग्राम पंचायत की तरफ ध्यान दिया जाए, जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो भी हमारे